सच कभी छुपता नहीं और तुम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से कभी रुकते नहीं। गाइस एक मिनट रुक जाओ, आज आपको ये वीडियो में बहुत तगड़ी न्यूज मिलने वाली है, सबसे बढ़िया न्यूज मिलने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पर अफवाह फैला रखी है कि यूट्यूब पर आज के बाद से वॉइस ओवर चैनल मोनिटाइज होंगे ही नहीं। मैं आपसे दिल से पूछूंगा, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? ये वीडियो देख लेना, स्पेशल वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब तो हमारी वीडियोस देखकर अपने चैनल को प्रमोट करा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी, उसकी लेटेस्ट वीडियो पे जाओ, इंस्टाग्राम के बायो में उसकी लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर दो, आपका नाम आएगा, हर वीडियोस में ऐसे ही प्रमोट कर दूंगा। और अब मैं कहूंगा अगर आपको जाना है तो चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, शायद ही किसी ने दी होगी, कुछ और आपको गलत गलत बताते जा रहे हैं और आप उनकी बातों पर विश्वास करते जा रहे हो। ये वीडियो को पूरा देखना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। अगर टाइम नहीं है प्लीज यार, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं, चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस देखो YouTube पे क्या अफवाह फैली हुई है कि वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। अब वॉइस का अगर आप वॉइस वाली वीडियोस बनाओगे तो आपका मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं होगी, वो रीयूज कंटेंट डालकर आपकी मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देंगे। आपको अपना फेस डालना बहुत जरूरी है, तो उन लोगों को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं सबसे पहले कि YouTube भाई आज तक ऐसा कभी नहीं बोला YouTube ने, YouTube की कोई सी भी पॉलिसीज में ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है कि वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज होंगे नहीं। अगर आप अपनी आवाज डालोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। लेकिन हां एक चीज जरूर लिखी है, अगर आप मशीन वाली आवाज यूज करोगे, गूगल वाली आवाज जो यूज करोगे, गूगल ट्रांसलेटर वाली जो आवाज होती है, ऑटो स्पीच वाली आवाज जो होती है, वो अगर आप यूज करके अपनी वीडियोस में डालोगे, आपने पहले देखा होगा क्रिकेट चैनल्स में क्या होता था, जो कमेंट्री चैनल्स होते थे वो अपनी आवाज नहीं डालते थे, वो ऑटोमेटेड वॉइस डालते थे, जो कंप्यूटर बोलता था वो आवाज डालकर वीडियोस बना देते थे और वो अपना चैनल मोनेटाइज करा लेते थे। तो बस YouTube हमेशा ये कहता है कि ऑटोमेटेड वॉइस वाली चैनल्स को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। YouTube ने आज तक ऐसा कहा ही नहीं है कि वॉइस ओवर चैनल, आपकी ओरिजिनल वॉइस वाले चैनल को हम मोनेटाइज ही नहीं करेंगे। लेकिन एक मिनट रुको, इसके पीछे भी एक लोगों ने झोल सा बना रखा है कि भाई साहब मैं किसी की वीडियो यूज करूं या नहीं करूं। देखो भाई साहब मैं आपको उन सब चीजों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं, YouTube क्या क्या देखता है। पहली चीज में YouTube देखता है मेन थीम, कि आपके चैनल की कैटेगरी क्या है। आपको ये सब तो पता ही होगा ना, लेकिन एक मिनट और एक बार सुन लो मेरे मुंह से भी। मेन थीम मोस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वीडियो, मतलब मोस्ट व्यूड वीडियो, और जहां से सबसे ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है वो वाला वीडियो देखता है, और YouTube चैनल का मेन थीम देखता है बस। और ये देखता है कि आपने किसी का चैनल का कंटेंट यूज तो नहीं करा हुआ, किसी की वीडियो यूज तो नहीं करी, किसी की इमेज यूज तो नहीं करी, किसी का डाटा, किसी की इमेज, किसी का वॉइस यूज तो नहीं करी, आप अपना सब कुछ ओरिजिनल कर रहे हो बस, चाहे आपका फेस हो चाहे ना हो, चाहे आपकी आवाज होनी चाहिए बस वो होना चाहिए, उसको रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपसे जो भी वीडियोस बना रहे हो अगर आपका ऐसा शक लग रहा है, सिंपल से दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आप अपना काम करो, किसी का भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज मत करो। कोई भी फ्री कॉपीराइटेड वाले बैकग्राउंड म्यूजिक आते हैं ना, जो नॉन कॉपीराइटेड वाले आते हैं, उसको भी यहां तक की यूज मत करो, सिंपल अपना काम करो। भाई साहब बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर फेस वॉइस ओवर वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे तो अगर लड़की है उसको वीडियो में आने से थोड़ी झिझक होती है, वो कैसे आएगी वीडियो में, उसको तो शर्म आती है, उसकी भी प्राइवेसी है, उसकी भी चीजें हैं, तो वो यूट्यूब पे तो काम ही नहीं कर पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, पहला बैकग्राउंड म्यूजिक यूज मत करो, और जो भी आप वीडियोस बना रहे हो, जो भी आप इमेजेस यूज कर रहे हो, वो भाई साहब नॉन कॉपीराइटेड ही यूज करो। Pixabay.com हो गई, Shutterstock हो गई, Shutterstock का प्रीमियम लेना पड़ता है, Pixabay वेबसाइट से आप डाउनलोड करके उसमें यूज कर सकते हो बस, और आपको कुछ नहीं करना है, और कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना है, कोई भी क्लिप यूज नहीं करनी है, कुछ भी यूज नहीं करना है, सिंपल आपको अपना काम करना है। कोई भी आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बनाना है तो बनाओ। ऐसा कोई YouTube ने मैंडेटरी कर ही नहीं रखा कि आपको सोशल अकाउंट भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। YouTube हाँ ये भी देखता है कि वीडियो का मेटा डाटा, वीडियो के टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन चेक करता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर आप अच्छे से लिखोगे कि मैंने इस वीडियो में ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो सब कुछ क्लियरली चलता रहेगा, YouTube आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। YouTube पे पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने अफवाह फैला रखी है, एक दो चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, उनकी पूरी गलती देखी नहीं और YouTube पर आकर वीडियो बना दी कि हाँ YouTube भाई वॉइस ओवर वाले चैनल मोनेटाइज ही नहीं कर रहा है। ये सब आपको डिमोटिवेट करने वाले खेल हैं, बस आप अपना काम करो, जो दो चीजें बताई हैं, अपनी वीडियोस बनाओ, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज मत करो, बस खत्म कहानी। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ यार गुस्सा आता है, मतलब कुछ भी बताकर कुछ भी अगर कह दोगे और हम लोग मान लेंगे, है ना, तो बस बस अपना काम करते रहो तुम लोग, ठीक है, बाय बाय।